हे गाइस, वेलकम टू द थंडर वर्ल्ड। क्या हो जब आप होटल में जाओ और आपको इंसानी मीट खिलाया जाए। What? जी हाँ, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मेन स्ट्रीट मीट्स। ये मूवी साल 2017 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है चेरी से, जो कि एक शहर से दूसरे शहर को जॉब ढूंढने के लिए जाती है। चेरी के रास्ते में कार खराब हो जाती है। वो जैसे तैसे एक मैकेनिक को लेके आती है। मैकेनिक कहता है इस कार को गैरेज में लेके जाना पड़ेगा। गैरेज में आने के बाद मैकेनिक चेरी से कहता है कि कार के बहुत सारे पार्ट्स खराब हो चुके हैं, जिन्हें मंगवाने में कुछ दिन लग जाएंगे। मैकेनिक चेरी को पास के ही कॉफी शॉप में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भेजता है। चेरी अपनी कार लेके ही जाने वाली होती, इसलिए वो कुछ दिन यहीं पर रुकने का फैसला करती है। यहाँ कॉफी शॉप में बेटी कहती है कि इस टाउन में कहीं भी कोई भी होटल नहीं है। तुम एक काम करो, मेरा एक फ्रेंड है जिसका मीट शॉप है, तुम उससे बात कर लो। चेरी भी मान जाती है और वो मीट शॉप में फ्रेड से मिलती है। फ्रेड उसे रहने के लिए रूम दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रह सकती हो, बदले में मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, सिर्फ तुम्हें हमारे शॉप में काम करना होगा। चेरी भी मान जाती है। यह फ्रेड का भाई नेडी, जिसके पास टीमी नाम की औरत मीट लेने के लिए आती है, नेडू इसे मीट दे देता है। यह है फ्रेडी और नेडी की बहन केट। ये तीनों भाई बहन मिलकर यह मीट का शॉप चलाते हैं, बट उनका कुछ खास फायदा हो नहीं रहा। इस वजह से फ्रेड काफी परेशान रहने लगता है कि किसी तरह से वो अपना मीट का शॉप चला पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। ऐसे में टीम आती है, वो कहते हैं कि तुम्हारे मीट ने मेरा मुंह का पूरा स्वाद बिगाड़ दिया। वो अपने पैसे वापस मांगती है, नेडी उसे पैसे वापस करता है, बट फिर भी उस पर टीम चिल्लाती रहती है। गुस्से में आके नेडी टीम का गला काट देता है और उसकी लाश के टुकड़े करने लगता है। इसके बारे में नेडी अपने भाई फ्रेड और केट को भी बताता है, तो सभी लाश को छुपाने के लिए बॉडी के पार्ट्स को काट के ग्राइंड कर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जॉन आता है। वो ताजा मीट लेने के लिए आता है। उसे फ्रेड टीम की बॉडी का ग्राइंड किया हुआ मीट दे देता है। अगले दिन टाउन का मेयर आता है। वो कहता है कि कल यहाँ से पुलिस ऑफिसर जॉन जो मीट ले गया था वो बहुत अच्छा था, मैं चाहता हूँ कि वैसा मीट मुझे और भी चाहिए, वो भी ताजा। फ्रेड कहता है कि वो मीट तो अब खत्म हो चुका है, बट हम तुरंत ही उस मीट का इंतजाम कर लेंगे। ये सारी बातें नेडी पीछे से सुन रहा होता है। अब जंगल में दो दोस्त घूमने के लिए आते हैं। उन्हें नेडी पीछे से आके मार देता है और उनका मीट वो शॉप में बेचते हैं। अब शॉप चलाने के लिए नेडी पूरा दरिंदा बन जाता है, वो किसी को भी मार देता है। और फ्रेड की शॉप बहुत अच्छे से चलने लगती है, जहाँ पे मेयर आके कहता है कि मुझे तुम्हारी शॉप का मीट बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे शॉप में एक मीट फेस्टिवल करना चाहता हूँ और मीट का इंतजाम तुम्हें करना होगा। अब इससे फ्रेड काफी खुश हो जाता है। अब जैसे यहाँ एक मीट फेस्टिवल होने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारा मीट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नेडी को बहुत सारे कत्ल करने पड़ेंगे। इसके लिए नेडी जो भी देखे उसे मार देता है। एक दिन किम नाम की लड़की अपनी रिंग ढूंढ रही होती है, उसे भी पीछे से आके नेडी मार देता है। अब जब वो पूरा मीट ग्राइंड कर रहे होते हैं, तभी किम की उंगली में पहनी हुई रिंग और उसकी उंगली ग्राइंड नहीं होती। अब मीट फेस्टिवल में सभी लोग मजे से मीट खाते हैं, बट वो लोग जब किम की रिंग और एक इंसान उंगली को देखते हैं, तो उनकी फटके फ्लावर हो जाती है। सभी लोग भागने लगते हैं। फ्रेड डर के मारे रेलवे ट्रैक पे आके बैठ जाता है और उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। यहाँ शॉप में चेरी होती है, जो कि कॉल रिसीव करने आती है। उसके पीछे केट चाकू लेके आती है और कहती है कि तुम्हारा मीट कितना टेस्टी होगा, ये कह के वो चेरी को मारने की कोशिश करती है, बट जैसे तैसे भाग के चेरी केट की आंख फोड़ देती है और भाग जाती है। अब मूवी के लास्ट में चेरी से पुलिस ऑफिसर जॉन पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था। चेरी कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, एंड वो चली जाती है। एंड देन केट को जेल में डाल दिया जाता है। अब चेरी की कार भी ठीक हो गई थी, तो वो यहाँ से जाने लगती है, बट उसे कोई आइडिया नहीं होता कि कार में नेडी छुपा हुआ है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, ये थी मेन स्ट्रीट मीट्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।